आज हम लोग जानेंगे कि फ्रिज में किस प्रकार से गैस चार्ज किया जाता है, गैस चार्ज करते समय हमें किन किन चीजों की, किन किन टूल्सों की जरूरत होती है। देखिए वो ज्यादा टूल्स नहीं, केवल तीन चार चीजें हैं, उसी से अपने फ्रिज में अपने घर पे आसानी से गैस चार्ज कर सकते हैं बिना किसी मिस्त्री की सहायता से। बिल्कुल बस जीरो से समझते हैं यहाँ पर। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए ये हमारी फ्रिज है, फ्रिज चाहे सिंगल डोर हो चाहे डबल डोर हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, गैस चार्जिंग का सिस्टम सेम है। इस फ्रिज में जो हम गैस चार्ज करने जा रहे हैं वो है R134A। ये जो गैस है R134, तो सबसे पहले हम बात करें कि हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी अगर हम फ्रिज में गैस चार्ज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखिए आपको एक गैस रख लेनी है, R134A का एक कैन रख लेना है। दूसरी चीज, इस कैन के ऊपर लगने वाला एक सिलेंडर वाल्व रख लेना है जो कि हम इसी पे लगा करके इसको टाइट करेंगे और जिससे कि हम इस गैस को कंट्रोल करेंगे। हमारे पास एक वेल्डिंग गन होना चाहिए जिससे हम कॉपर की पाइप को वेल्डिंग कर सकते हैं, और एक ब्यूटेन गैस का ये कैन होना चाहिए जिसमें हमारी ब्यूटेन गैस है, वेल्डिंग करने वाली गैस है। ये हमारे पास ब्रीजिंग राड होना चाहिए, ब्रीजिंग राड से हम क्या करेंगे, कॉपर की पाइप को वेल्डिंग करेंगे। ये कॉपर ऑक्साइड का बना होता है, आगे के संपर्क में आने से पिघलने लगता है। और हमारे पास एक गेज भी होना चाहिए जिस गेज की सहायता से हम इसमें गैस चार्ज करेंगे। और एक हमें वर्कशॉप कंप्रेसर की भी जरूरत पड़ जाती है। ये जो वर्कशॉप कंप्रेसर है ये फ्रिज से निकला हुआ कंप्रेसर ही है, इसको आप वर्कशॉप बना सकते हैं यहां पर एनआरबी पिन लगा करके या चार्जिंग पिन लगा करके। और उसके अलावा हमारे पास एक मेन लीड भी अलग से रखना चाहिए। इस लीड की सहायता देखिए हमने इस कंप्रेसर को डायरेक्ट लगा दिया है। यानी सबसे पहले अगर बात करें तो ये फ्रिज हमारी है और इसका ये इतने ही पार्ट की जरूरत है। आप एक नया फिल्टर भी रख सकते हैं, कभी कभी ये फिल्टर अगर नहीं काम करता तो आप नया फिल्टर बदल सकते हैं, वैसे लोग अधिकतम फिल्टर को चेंज ही कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए रिले और ओएलपी भी हमें रखनी चाहिए अलग से, रिले और ओएलपी, ये दो चीजें अगर नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है इससे। तो ये हमारे दो पार्ट है, एक का नाम होता है ओएलपी और एक का नाम है रिले। देखिए ये है ओएलपी, ओएलपी का पूरा नाम होता है ओवरलोड प्रोटेक्टर, मतलब ओवरलोड होने पर या कंप्रेसर के आवश्यकता से अधिक हीट होने पर या ऑटोमेटिक तरीके से कंप्रेसर मोटर को बंद कर देता है। जब ये मोटर बंद हो जाएगा तो ना तो गैस को खींचेगा ना तो फेंकेगा, मतलब फ्रिज काम करना बंद कर देगी। और ये है रिले, रिले का कार्य होता है कि यह रनिंग से स्टार्टिंग में मोटर को शॉर्ट मार के स्टार्ट करने का कार्य करता है। यहां पर देखिए अगर हम इसको लगाना है तो यहां पर पिनों को थोड़ा सा दिखाइए कि ये जो कंप्रेसर मोटर है इसमें तीन पिनें होती हैं। तीन पिनों में एक का नाम होता है कॉमन, एक का नाम होता है रनिंग और एक का नाम होता है स्टार्टिंग। ये तीन पिने हैं, कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। कौन कॉमन, कौन रनिंग, कौन स्टार्टिंग है इसको चेक कर सकते हैं किसी भी मल्टीमीटर के द्वारा, जिस प्रकार से किसी भी फैन मोटर को चेक करते हैं तीन वायरों को, उसी प्रकार से तीन पिनों को चेक कर सकते हैं। अगर इसमें हमें लगाना है ये रिले और ओएलपी, तो देखिए सबसे पहले अगर जो पिन अकेली है, जो पिन अकेली है उसमें हमारा लगेगा ओएलपी, और ये जो दो पिने हैं इसमें रिले में हमारे दो छिद्र बने होते हैं जिसको हम लगा देंगे अपने ऊपर रनिंग और स्टार्टिंग वाले पॉइंट में, और ये हमारी मेन लीड की सप्लाई है। और इससे पहले अब देखिए यहां पर तो हमने अलग से मेन लीड का सप्लाई दे दिया, अब ये हमारा कंप्रेसर मोटर है। अब हमें सबसे पहली प्रक्रिया करनी होती है इसकी फ्लेक्सिंग करना। फ्लेक्सिंग करने का मतलब इसकी जो पाइपें हैं, पाइपों के अंदर अगर कहीं कचरा है तो उसको हमें साफ करना होता है। अगर उस कचरे को हम साफ नहीं करेंगे तो और फ्रिज में गैस चार्ज कर देंगे तो ये चोक कर जाएगा। चोक क्या होता है, किसी कारण अगर पाइप में कोई गैस का बहाव रुक गया उसे चोक कहते हैं। किसी कारण इसके अंदर कुछ कचरा जमा हो जाए, यानी गैस ही ना निकल पाए, है देख रहे ना, ये सब जो हम देख रहे हैं ये सब जाली जो है ये सब पाइपें होती है, इन सब में गैस घूमती है। अगर ये पाइप अंदर से कहीं जाम हो गई तो गैस का बहाव रुक जाएगा, और अगर गैस का बहाव रुक गया ये ठंडा नहीं करेगा। जब गैस ही नहीं घूमेगी तो ठंडा कहां से करेगा। तो देखिए हमें सबसे पहले ये कंडेंसर का आउटपुट है, कंडेंसर के आउटपुट में ये लगा होता है इसका फिल्टर। सबसे पहले बात करें कंप्रेसर है, कंप्रेसर में तीन लाइनें होती हैं, एक चार्जिंग लाइन है देखिए जिसमें ये एनआरबी पिन लगा होता है जिसके साथ कोई पाइप नहीं जुड़ी होती है, बाकी की दो पाइपें यहां हैं जिसमें एक डिस्चार्ज लाइन और एक सक्शन लाइन होती है। जो डिस्चार्ज लाइन होती है वो पतली होती है, सक्शन लाइन मोटी होती है। और दूसरी पहचान कि जो डिस्चार्ज लाइन होती है वो इस कंडेंसर से जुड़ी होती है, जो लोहे की जाली है ना इसके साथ जुड़ी होती है, और सक्शन लाइन अंदर से आई होती है। तो देखिए डिस्चार्ज लाइन से गैस निकल के जाती है कंडेंसर में, और कंडेंसर गैस को घुमा घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में यानी कि भाप को पानी बना देता है, और उसके बाद गैस निकल के जाती है फिल्टर में। ये फिल्टर उसको छान के शुद्ध करता है, फिर जाती है कैपिलरी में। तो हम क्या करते हैं, ये जो फिल्टर का, ये कंडेंसर का आउटपुट और फिल्टर का इनपुट है, यहीं से हम इसको वेल्डिंग गन से गर्म करेंगे और अलग कर देंगे। लेकिन गर्म करने से पहले ध्यान रखना ये जो एनआरबी पिन है ना इसके अंदर एक पिन लगी होती है, छोटी सी एक पिन लगी होती है, यहां थोड़ा सा नजदीक से देखेंगे अगर तो एक पिन लगी होती है, और इस पिन को हमें ऐसे खोल के निकालना होता है जिस प्रकार से हमारे बाइक में हवा भरने वाली छुच्ची
सी होती है ना, ये सेम उसी पे है। देखिए उसी तरह से हम इसको खोल लेंगे। देखिए ये वाली पिन लगी थी, ये पिन लगी होती है और इसी पिन को हमें खोल के निकाल लेना है। अब अगर ये पिन को निकालेंगे और इस सिस्टम में पहले से गैस है तो वह गैस निकलेगी, अगर गैस नहीं है उड़ गई है तो मतलब गैस नहीं निकलेगी। तो अब हमें क्या करना है कि पिन को खोल लिया, अगर पिन को खोले बिना मान लीजिए वेल्डिंग करने लगे तो क्या होगा कि पाइपों में गैस है, प्रेशर के साथ दबाव है और आप अगर उसको वेल्डिंग करने की कोशिश करेंगे तो वो विस्फोट जैसा कर सकते हैं, विस्फोट भी कर सकती है, ये दिक्कतें आ सकती हैं। तो सबसे पहले हम देखें क्या करते हैं, ये हमारा वेल्डिंग गन है, ब्यूटेन गैस से कार्य करता है वेल्डिंग गन, और यहां से देखिए गैस को नोब को कंट्रोल किया जाता है। माचिस जला लेते हैं यहां पर, ये हमारी माचिस, और इसको जलाने के बाद हम ब्यूटेन गैस को देखिए यहां से जलाते हैं इस प्रकार से। देखिए प्रेशर के साथ ये जल रहा है हमारा ब्यूटेन गैस, ये ब्यूटेन गैस है और यहां से हमें फिल्टर को सबसे पहले खोलना है। हम क्या करेंगे, यहां से इसको बढ़ा देते हैं और ये गर्म करते हैं। जैसे ये गर्म हो जाएगा प्लायर की सहायता से हम इसको ऐसे बाहर की तरफ खींच लेंगे। तो इसको गर्म होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, मैक्सिमम एक मिनट दो मिनट इससे ज्यादा नहीं लगता है। और एक बात और समझिए, इधर की जो पाइप है वो लोहे की होती है, इधर कॉपर की होती है, लेकिन यहाँ पर दोनों कॉपर का जोड़ दिया गया है, लोहा यहाँ से इधर है, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ से लोहा इधर है। तो हम फिल्टर को देखिए थोड़ा सा गर्म करते हैं और गर्म करते देखिए ये अपने आप निकल गया, बिल्कुल थोड़ा सा ही पकड़ा था इसलिए आसानी से निकल गया। तो फिल्टर यहाँ पर निकल के अलग हो गया है, हमारा एक प्रक्रिया ये पूरी हो रही है कि फिल्टर हमारा अलग हो गया। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें करना ये है कि इस कंप्रेसर को यानी जो फ्रिज का कंप्रेसर है उसको चालू करना है। जब हम इसको चालू करेंगे अपने बोर्ड में लगा करके, यहाँ पर हमारा बोर्ड है, ये देखिए ये हमारा बोर्ड है, जब हम इसको चालू करेंगे इस बोर्ड में लगा करके यहाँ पर हम इसको पावर दे देते हैं। देखिए ये बोर्ड चालू है, इसमें हम पावर देते हैं, कंप्रेसर मोटर हमारा चालू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कंप्रेसर मोटर चालू नहीं हुआ, बोर्ड में स्विच ऑन करिए, हाँ देखिए ये कंप्रेसर मोटर हमारा चालू हो गया और यहाँ से गैस निकल रही है। अभी ये पाइप गर्म है, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं और जैसे ये पाइप ठंडी होती है इसके बाद हम इसको दबाएंगे और छोड़ेंगे, दबाएंगे और छोड़ेंगे, जिससे क्या होगा इस कंडेंसर के पाइपों के अंदर का कचरा बाहर निकलेगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इस कंडेंसर के आउटपुट की पाइप को हाथ के अंगूठे से ऐसे दबाएंगे, ये कंप्रेसर मोटर हमारा चल रहा है पावर में लगा, जैसे हम इसको झटके से छोड़ेंगे तो क्या होगा प्रेशर के साथ कंडेंसर के अंदर का कचरा भी बाहर निकलेगा। अभी देखिए कोई कचरा नहीं निकल रहा है, इसको हम जैसे ही झटके से छोड़ेंगे इस कंडेंसर की पाइप को देखिए हमें क्या करना है, ऐसे दबाना है अंगूठे से और इसको हमें तेजी से ऐसे दबाए रखना है। बहुत ज्यादा इसमें ताकत आजमाने की जरूरत नहीं है, बहुत तेज दबाना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत तेज दबाने से कंप्रेसर के अंदर का तेल भी ऊपर चढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हमें ऐसे इसको दबाना है फिर झटके से छोड़ना है, दबाना है फिर झटके से छोड़ना है और यह प्रक्रिया हमें तब तक करनी है जब तक कंडेंसर के अंदर से कचरा आना बंद ना हो जाए। यानी अगर इसके अंदर से कचरा आता तो हम इसको तब तक करते जब तक यह बंद ना हो जाए, लेकिन इसके अंदर से कोई कचरा नहीं आ रहा है मतलब ये कंडेंसर पूरी तरह से साफ है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फिल्टर को अगर हम चाहें तो नया फिल्टर लगा करके इसको जोड़ सकते हैं, यहां पर जोड़ देंगे, लेकिन हम इसी को जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। नया फिल्टर प्रयोग करने से इसमें फायदा क्या हो जाता है कि अब नया फिल्टर प्रयोग करने से जो भी कुछ कचरा होगा, फ्रिज जितने दिन तक चली है सब कचरा इसी फिल्टर में रुका रहेगा और अगर आप फिल्टर को बदल देते हैं तो सब कचरा बाहर हो जाएगा। यानी कंडेंसर को तो हमने फ्लेक्सिंग के द्वारा साफ कर लिया, कंडेंसर को बदल के साफ कर लेते हैं। कैपिलरी में अगर हल्का भी चूक रहेगा तो बिल्कुल भी वो गैस को क्रॉस नहीं करने देगी क्योंकि बहुत ही पतली सी पाइप है और इवापोरेटर की भी अभी हम फ्लेक्सिंग कर लेते हैं। उससे पहले अब हम इस फिल्टर को फिर से लगा करके वेल्डिंग गन की सहायता से इसको हम जोड़ देते हैं, इसको वेल्डिंग कर देते हैं। वेल्डिंग करने के लिए देखिए फिर से हम वही ब्यूटेन गैस और अपना वेल्डिंग गन लेंगे और यहां पर हम जलाते हैं इसको माचिस के द्वारा, देखिए इस प्रकार अब और गरम करेंगे और गरम करने के बाद जो हमारा ये ब्रीजिंग राड है, ब्रीजिंग राड का कार्य होता है हमारा कि ये कॉपर ऑक्साइड का बना होता है, वेल्डिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिल्टर को पकड़ना होगा, पकड़ लीजिए इसको थोड़ा सा और उसे भी देखिए। तो देखिए यहां से हम इसको गरम करेंगे इस प्रकार से और जब ये थोड़ा सा गरम हो जाएगा, जब ये गरम होकर लाल हो जाएगा तब हम ब्रीजिंग राड को टच करवाएंगे और यहां पर देखिए हम ब्रीजिंग राड को भी अब हल्का गरम करना शुरू कर दिए, यहां से इसको भी गरम करते हैं और गर्म करने के बाद अब हम इसको इसी पे लगाएंगे। आप थोड़ा नजदीक से दिखाते रहिएगा, यहाँ से देखिए गर्म करने के बाद हम इसी पर लगाते हैं। अभी पूरी तरह से ये गर्म नहीं हुआ है इसलिए बढ़िया पिघल नहीं रहा है, देखिए इस प्रकार से ये पिघलता है और हमें जो लगाना पड़ता है ये ब्रिजिंग राड केवल ऊपर की तरफ ही लगाना पड़ता है, नीचे अपने आप ये पिघल करके चला जाता है। तो देखिए जैसे नीचे अपने आप पिघल के चला जाएगा और थोड़ी देर तक इसको पकड़े रहना प्लायर के द्वारा, हिलाना नहीं है क्योंकि अगर हिला देंगे तो फिर से ये निकल जाएगा, इसमें से जो भी इसका जोड़ है वो निकल जाएगा, वो बाहर चला जाएगा तो फिर जोड़ने से कोई फायदा नहीं रह जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसको हम थोड़ी देर तक पकड़े रहेंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा अब नॉर्मल हो जाएगा तो अब हम प्लायर को हटा लेंगे और अब हमारी अगली प्रक्रिया होगी जिसमें हम इवापोरेटर की फ्लेक्सिंग करेंगे। इवापोरेटर की फ्लेक्सिंग करने का मतलब कि कंप्रेसर के सक्शन लाइन की पाइप को काट करके या गर्म करके अलग करना। तो यहां पर हम कंप्रेसर के सक्शन लाइन की पाइप को खोलते हैं
और जिस प्रकार से ये क्रिया हम कर रहे हैं ना, बिल्कुल सेम सक्शन लाइन देखिए हमारी यही है, ये हमारी सक्शन लाइन है। इसी पाइप को यहां से काटना है और काटने के बाद कंप्रेसर को चालू करना है और ये जो पाइप है एवापोरेटर से आई हुई, इस पाइप को हमें ऐसे अंगूठे से दबाना है, झटके से छोड़ना है, दबाना है, झटके से छोड़ना है, जैसे हमें कंडेंसर को कर रहे थे, मतलब सेम वही प्रक्रिया, बिल्कुल कोई भी डिफरेंट नहीं है। बस यहां से अब की बार पाइप को यहां से काटे थे, अब की बार यहां से काटना, फिर वैसे ही करके जोड़ देंगे। तो अगर कहीं पर कचरा होगा तो वो हमारा साफ हो जाएगा। अब देखिए जब हमारी फ्लेक्सिंग करने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है ना, फ्लेक्सिंग कंप्लीट हो जाता है, तो अगली प्रक्रिया हमारी होती है प्रेशर चढ़ाना। प्रेशर चढ़ाना, प्रेशर चढ़ाने का मतलब ये होता है कि सिस्टम की पाइपों के अंदर कहीं लीकेज चेक करना, मतलब दो जोड़, ये वाला जोड़, ये फिल्टर अगर बदलते तो ये जोड़, और यहां से फ्लेक्सिंग करते तो ये वाला जोड़, ये जो तीन चार जोड़ है इसको हमने अभी अभी वेल्डिंग किया ना, अगर ये जो जोड़ है हो सकता है कि इसमें कहीं बारीकी से लीकेज रह गया हो, उसी लीकेज को चेक करने के लिए हमारी दूसरी प्रक्रिया होती है प्रेशर चढ़ाना। प्रेशर चढ़ाने के लिए देखिए हमारे पास ये दो चार्जिंग पाइप चाहिए, दो रबर के चार्जिंग पाइप चाहिए और एक वर्कशॉप कंप्रेसर चाहिए। इस रिले और ओएलपी को हम निकाल लेते हैं और लगा लेते हैं। चलिए रिले ओएलपी नहीं, हम केवल मेन लीड अपना निकाल लेते हैं और लगा लेते हैं अपने दूसरे सिस्टम में। देखिए इस मेन लीड को अब इस कंप्रेसर से निकाल करके हम अपने वर्कशॉप कंप्रेसर में लगा लेते हैं। यहां पर देखिए रिले और ओएलपी हमने पहले से लगा रखा है, तो यहां पर क्या करना है, ये कॉमन में लगा देना है, जैसे उस कंप्रेसर का कनेक्शन हम कर रहे हैं सेम उसी प्रकार से रिले और ओएलपी हमें यहां पे लगा देना है। एक पिन में हमने देखिए ये कॉमन में लगा दिया और एक पिन हम लगा देते हैं ये रिले के रनिंग वाले पॉइंट में, यानी दाहिने वाले पॉइंट में। और उसके बाद अब हमें इस कंप्रेसर को चलाना है, इस कंप्रेसर मोटर को चालू करते हैं और देखिए ये कंप्रेसर चालू हो गया और ये क्या कर रहा है, यहां ये इसका डिस्चार्ज लाइन है, यहां से ये प्रेशर को फेंक रहा है। तो हमें क्या करना है कि ये जो कंप्रेसर मोटर चालू हो गया ना, अब हमें इसमें पाइप जोड़ना है। देखिए चालू करने से पहले हमें पाइप वाइप जोड़ लेनी चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे चालू कर लिया, कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखिए ये जो चार्जिंग पाइप होती है, इसमें देखेंगे दोनों सिरों को या नजदीक से दिखाई, इसके अंदर एक तरफ ये पिन होती है, एक तरफ कुछ नहीं होता है, एक में देखेंगे पिन होती है, एक में कुछ नहीं होता है, जिसमें पिन होती है उसको उस तरफ जोड़ा जाता है जिधर कोई पिन लगी हो। जैसे ये हमारे जो हमारी फ्रिज का चार्जिंग लाइन है, इसके अंदर पिन लगी होती है, पिन तो अभी हमने बाहर निकाल रखा है लेकिन इसके अंदर लगी होती है, इसलिए इस पिन को हमें देख करके जोड़ना चाहिए। तो यहां पर देखिए हम इसको जोड़ देते हैं, यहां पर हमने इसको जोड़ दिया और इसका दूसरा सिरा जो हमारा ये सिस्टम है, यहां पे हम प्रेशर चढ़ाने जा रहे हैं ना, तो प्रेशर गेज हमारा रेड कलर में है। जब हम इसका वैक्यूम करेंगे तो ये ब्लू वाले गेज का प्रयोग करेंगे। अभी हम प्रेशर गेज का यूज कर रहे हैं तो प्रेशर चढ़ाने के लिए, तो प्रेशर गेज के निचले सिरे में हमने इसको जोड़ दिया, यहां पर इसके निचले सिरे में जोड़ दिया और अभी तो सभी लाइनें हम यहां पे हैंडल ढीला कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी हैंडल को ढीला कर देते हैं। और यहां पर देखिए ये हमारी दूसरी पाइप है, इसको भी हम यहाँ पे कनेक्ट करना है, इसको इस बीच वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देते हैं। जिस गेज का यूज करना है उस गेज के निचले सिरे और बीच वाला तो कॉमन होता है और बीच वाले में जोड़ देंगे, साइड वाला जिस गेज का यूज नहीं करना है उसको खाली छोड़ देंगे। और अब इस पाइप का दूसरा सिरा जोड़ देते हैं हम अपने वर्कशॉप कंप्रेसर में, यहां पर देखिए वर्कशॉप कंप्रेसर में जोड़ देते हैं इस प्रकार से, ये चूड़ियों के द्वारा, ये देखिए नट है, केवल टाइट करना है, तो हमने यहां पर इसको भी जोड़ दिया। अब देखिए ये हमारी पाइप देखिए कैसे जुड़ी हुई है, ये वर्कशॉप कंप्रेसर है, इसका एक डिस्चार्ज लाइन है, चार्जिंग पाइप की सहायता से गया इस गेज में, गेज का दूसरा सिरा यहां से होकर के जा रहा है। अब देखिए इस हैंडल को हम टाइट कर देंगे और ये जो हमारी सुई है प्रेशर गेज की, ये देखेंगे कि धीरे धीरे ये सुई ऊपर की तरफ उठने लगेगी। यहां पर देखिए ये जो सुई है प्रेशर गेज की, पूरे सिस्टम में प्रेशर भराएगा तो ये सुई धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगी। देखिए अभी ये जीरो पे है, जीरो से ऊपर की तरफ जा रही है, धीरे धीरे करके जा रही है, ये जो कंप्रेसर का प्रेशर है थोड़ा सा कम है और धीरे धीरे करके प्रेशर जा रही है। अगर ये कभी किसी कारण से आप प्रेशर चढ़ा रहे और ये सुई एकाएक ऊपर चली जाए तो इसका ये मतलब होता है कि ये जो पाइप है ना कहीं जाम है, पूरे सिस्टम की पाइपों में गैस नहीं जा रही है। और देखिए ये इस प्रकार से अगर धीरे धीरे चल रही है तो समझिए सही है, यानी कि एरिया ज्यादा है, प्रेशर भरने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इस प्रकार से हम प्रेशर भरेंगे और प्रेशर भरते समय ही हम क्या करेंगे, जैसे साबुन या शैंपू का कोई झाग बनाएंगे और जो जो हमारे जोड़ थे उन जोड़ों पर हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, ऐसे चेक करेंगे जहां जहां हमारे जोड़ थे उसको हम चेक करेंगे। चेक करेंगे तो क्या होगा कि जहां पर लीकेज होगा वहां से बुलबुला जैसा निकलेगा, अगर बुलबुला निकल रहा है तो समझिए सिस्टम लीकेज है। तो जोड़ों पे चेक करना है सबसे पहले, कहां सभी जोड़ों पर, जितने भी इसमें जोड़ है, तो तीन चार जोड़ तो अभी बनाया गया है वेल्डिंग करके, तो उन सारे जोड़ों पे चेक करेंगे, इससे पहले के जो जोड़ किए गए हो उन जोड़ों पर भी चेक करेंगे, बीच में लीकेज होने के चांस नहीं होते। अच्छा बीच में क्यों लीकेज होगा, पूरे सिस्टम के जोड़ों पर ही तो लीकेज होता है ना, तो जोड़ों पर चेक करेंगे और अगर लीकेज मिल गया तो क्या करेंगे, गैस को उड़ा करके फिर से वेल्डिंग करके जोड़ देंगे। वैसे देखिए हमारी सुई यहां तक पहुंच
गई है ना, इस समय 100 तक पहुंच गई है और इसके बाद 150 तक आगे पहुंचेगी। हम क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। वैसे इसको कम से कम 150 से 200 तक प्रेशर चढ़ा लेना चाहिए, हम इसको बंद कर देते हैं और वर्कशाफ्ट कंप्रेसर को भी अपने बंद कर देंगे। यहां से हम कंप्रेसर को भी निकाल लेते हैं, पावर को निकाल दिया हमने। अब देखिए ये जो सुई है ना, जहां तक हमने प्रेशर भरा है वहीं पे रुकी होनी चाहिए। अगर किसी कारण से ये सुई धीरे धीरे नीचे आ रही है तो इसका ये मतलब हुआ कि सिस्टम में कहीं ना कहीं लीकेज है। अगर किसी कारण से ये सुई नीचे आ रही है तो सिस्टम में लीकेज माना जाएगा, और लीकेज होने की अवस्था में फिर से हमें साबुन या शैंपू का झाग बना के चेक करते रहना। कब तक चेक करना, जब तक वो लीकेज ना मिल जाए। वो लीकेज देखिए इन नटों पर भी हो सकता है, ये जो हमारे जोड़ है ना इनमें भी हो सकता है। अगर यहां से भी लीकेज करेगा तब भी गैस निकल जाएगी। हैंडल को देखिए हमने टाइट कर दिया है और यहां से भी हम वर्कशाफ्ट कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से पाइप को खोल के निकाल लेते हैं। तो हमने ये प्रेशर भर लिया, लीकेज मिल गया। अब हमें क्या करना है, लीकेज मिल गया तो गैस को इसमें से उड़ा देना है। गैस को उड़ाने के बाद इसको वेल्डिंग करके फिर से जोड़ देना है जहां भी लीकेज दिखे। और अगर लीकेज नहीं मिलता है तो हम अगली प्रक्रिया अपनाएंगे। अगली प्रक्रिया क्या है, इसमें से हम गैस को उड़ा देते हैं और अगली प्रक्रिया हमारी है वैक्यूम करना। वैक्यूम करने का मतलब इसकी पाइपों के अंदर की नमी को बाहर निकालना। अंदर की नमी को हम बाहर कैसे निकालेंगे, देखिए अब तक हम प्रेशर गेज का यूज किए थे ना, अब हम कंपाउंड गेज का यूज करेंगे। और यहां से देखिए अब जो हमारा प्रेशर गेज में जो पाइप जुड़ी थी उसको खोल करके अपने कंपाउंड गेज के निचले सिरे में जोड़ देंगे। यहां पर भी प्रेशर गेज में जो जुड़ी थी उसको खोल के कंपाउंड गेज में हम यहां पर जोड़ देते हैं। और यहां पर देखिए हमारा ये जो डिस्चार्ज लाइन में जुड़ा हुआ था इसको हम सक्शन लाइन में जोड़ देते हैं। ये इसका कंप्रेसर का सक्शन लाइन है, दूसरी वाली लाइन यहां से जोड़ देंगे। इससे क्या होगा, अब ये इसके अंदर की हवा को बाहर फेंकेगा, यानी अंदर की हवा को ऐसे खींचेगा और डिस्चार्ज लाइन से बाहर निकालेगा। तो देखिये ये पाइप जो है ना जोड़ना यही महत्वपूर्ण चीज है। देखिये किस प्रकार से जुड़ा है, ये वर्कशाफ्ट कंप्रेसर का सक्शन लाइन है और यहां से चार्जिंग पाइप लगी हुई है, ये गेज के बीच में जुड़ा हुआ है। और जो हमारा फ्रिज है, जो हमारे फ्रिज का चार्जिंग लाइन है वो कंपाउंड गेज के निचले सिरे में जुड़ी है। और अब हमें प्रेशर गेज का यूज नहीं करना है तो प्रेशर गेज के हैंडल को बंद कर देंगे और कंपाउंड गेज के हैंडल को यहां से ढीला कर देंगे। कंपाउंड गेज के हैंडल को ऐसे ढीला कर देंगे, ढीला कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस वर्कशाफ्ट कंप्रेसर को चालू करना है। इसको वर्कशाफ्ट कंप्रेसर को हम चालू करते हैं। इस एनआरवी पिन को भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं, नहीं लगाएंगे कोई बात नहीं है, हमें गैस चार्ज करना है तुरंत और इसके बाद हम चालू कर लेते हैं। वैसे इसको लगा लेना चाहिए क्योंकि आप पाइप को नहीं खोल पाएंगे अगर इस पिन को नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम चालू कर दिए, कंप्रेसर मोटर हमारा चालू हो गया। यहां से प्रेशर फेंक रहा है, यहां से सुई देखिए ये जीरो पे है तो जीरो से ये -30 की तरफ जा रही है। नजदीक से दिखाइए सुई, ये जो सुई है जीरो से -30 की तरफ जा रही है। देखिए ये जीरो पे है ना, धीरे धीरे करके माइनस में जाएगी। ये कब तक माइनस में जाएगी, जब तक ये पूरा प्रेशर खत्म ना हो जाएगा। देखिए माइनस में जा रही है धीरे धीरे करके, तो ये -30 तक ये सुई जाएगी। और जब ये सुई -30 पे पहुंच जाए तो समझिए कि सिस्टम के अंदर का वैक्यूम बढ़िया तरीके से हो गया है। जो भी इसके अंदर का वैक्यूम था, जो भी इसके अंदर नमी थी, जो भी इसके अंदर गैस थी, वो सब बाहर निकल चुकी है। जब इसमें वैक्यूम -30 तक पहुंच जाए, तो जब इसकी सुई -30 पे देखिए यहां पे पूरा पहुंच जाए, जब -30 पे पहुंच जाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले गेज के हैंडल को बंद करेंगे। ये जो गेज का हैंडल है इसको बंद करेंगे और गेज के हैंडल को बंद करने के बाद अपने कंप्रेसर को भी बंद कर लेंगे। वर्कशाफ्ट कंप्रेसर को भी बंद कर लिया। अब जो वर्कशाफ्ट कंप्रेसर में हमने ये मेन लीड लगाया था इसको निकाल लेंगे क्योंकि अब वर्कशाफ्ट कंप्रेसर का काम खत्म है। इस पाइप को भी हम यहां से खोल लेते हैं, ये पाइप को भी हम यहां से खोल लेते हैं। हमने पाइप को खोल लिया और वर्कशाफ्ट कंप्रेसर की का काम अभी खत्म हो चुका है हमारा। अब हमें लगाना क्या है, इस मेन लीड को सबसे पहले फ्रिज के कंप्रेसर में लगा लेते हैं, जो हमारी मेन फ्रिज है, जो मेन फ्रिज का लीड है, क्योंकि अब फ्रिज को चलाने की जरूरत पड़ेगी हमें, और मेन फ्रिज को लगाने की जरूरत पड़ेगी चलाने की। और यहां पर देखिए अब R134 गैस है ये हमारी, जो गैस हम चार्ज करने वाले रेफ्रिजरेंट R134A 450 ग्राम, ये 450 ग्राम का कैन आता है। और ये इसका सिलेंडर वाल्व, सिलेंडर वाल्व देखिए इस प्रकार से हमें लगा करके और इसके ऊपर टाइट कर लेना। ये जो सिलेंडर वाल्व आप जब लेंगे तो देखिएगा ये पिन और ये वाल्व ये अलग अलग कई साइजों में आते हैं, तो उसी में एडजस्ट होने वाला लेना पड़ेगा आपको। मतलब की जो हमारा कैन है उसके हिसाब से वाल्व लेना पड़ेगा। ये कई तरीके का नहीं आते हैं, 2 या 3 तरीके के आते हैं, आपको उन्हीं में से कोई लेना होगा। तो सबसे पहले देखिए अभी हमें क्या करना है, अब जब हम इसमें गैस चार्ज करने जा रहे हैं तो एक चीज और होता है, हमारे पास एक लिक्विड होता है जिसको एंटी मोस्ट या एंटी चोक नाम से जाना जाता है, इसको भी इस पाइपों में डाल देना चाहिए। इससे क्या होगा, सिस्टम में चोक नहीं होगा। अगर ये बार बार चोक हो रहा है तो ऐसा करना चाहिए, बाकी ये जरूरी नहीं है कि हाँ वो डालना चाहिए। तो देखिए ये होता क्या, फेविक्विक के जैसा है ना लिक्विड का, यहां से इसको काट देना और ये जो सुई लगाने वाला इंजेक्शन जैसा होता है इसी से इसको खींचना है और इसी पाइप में भर देना। भरने के बाद अपना ये जो हमारा रेफ्रिजरेंट सिलेंडर है यानी गैस का जो सिलेंडर है, हम अपने गैस को लगा लेंगे यहां पर, लगा के हम इसको टाइट कर देते हैं।
देखिए इसको हम बढ़िया से टाइट कर दिए, और अब हमें क्या करना है, ये देखिए हमारा सिस्टम कैसे जुड़ा हुआ है, ये हमारा गैस है R134, ये हमारी पाइप है, पाइप का यहाँ पे गेज के बिचले वाले सिरे में जुड़ा हुआ है, और इसका दूसरा सिरा यहाँ से आकर के हमारे फ्रिज के कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन में जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से इसका कनेक्शन है। अभी देखिए ये दोनों हैंडल बंद है, हम क्या करते हैं यहाँ से गैस को थोड़ी सी खोलते हैं, थोड़ी सी गैस को खोलेंगे, थोड़ी सी गैस को खोला और फिर बंद कर दिया, इससे क्या होगा अब गैस निकल के थोड़ी सी पाइप में गई है, तो हमारे लिए तो हमने जो वैक्यूम किया है वो पूरे फ्रिज का तो किया है, लेकिन हाई पाइप जो अभी अभी थी इसको हमने अभी अभी जोड़ा है ना, तो इसमें बाहर की हवा चली गई होगी, उस हवा को निकालना होगा। यहां से हम थोड़ी सी गैस को उड़ाएंगे, नजदीक से लाइए देखिए, यहां से गैस को हम थोड़ी सी उड़ाएंगे, जब तक ये हवा उड़ेगी थोड़ी सी तब तक तो नॉर्मल होगा, जब ये व्हाइट कलर में देखिए उड़ने लगे समझिए ये फ्रियान गैस उड़ रही है, और अब हम इसको टाइट कर देंगे, इससे क्या होगा इस पाइप के अंदर का भी वैक्यूम हो जाएगा, पाइप के अंदर की भी गैस हमारी सही हो जाएगी, यानी पाइप के अंदर जो बाहर के वातावरण की हवा थी वो निकल जाएगी। यहां से अब हम इसके हैंडल को टाइट कर देते हैं, और टाइट करके हम इसको एक जगह रख देते हैं ताकि अब इससे गैस निकल के पाइप में जाती रहे, और इस हैंडल से हम कंट्रोल करेंगे। उससे पहले अब हमें क्या करना है, देखिए यहां पर इसको ऐसे उल्टा ही रखना, और अब हम क्या करेंगे इस कंप्रेसर को चलाते हैं, फ्रिज का जो कंप्रेसर है उसको चालू कर देते हैं, चालू कर दिया, और इस गेज के हैंडल को हम खोलेंगे, कंपाउंड गेज के हैंडल को खोलेंगे, और जैसे ही खोलेंगे ये सुई देखिए जीरो पे है ना, ये देखिए प्लस में भागेगी, फिर बंद कर दिया हमने तो फिर से ये आ जाएगी नॉर्मल, और इसमें अगर देख पाएंगे तो इसमें एक लिक्विड है जो घूम रहा है, देखिए जैसे गैस को खोल रहे हैं देखिए पानी की तरह है जो घूम रहा है, जैसे ये सुई जा रही है, मतलब ये जो गैस होती है ना लिक्विड के रूप में होती है, गैस जो होती है वो लिक्विड के रूप में होती है, पानी के रूप में होती है, लेकिन अंदर जब संचार करती है तो अपना क्रिया करती है। तो यहां पर देखिए हमने फिर से खोला और ये सुई अब जीरो पे आ चुकी है, देखिए हमने इसको दो बार खोला और बंद किया, ये सुई जीरो पे आ चुकी है, इसको हम फिर खोलेंगे तो देखिए जैसे ही खोलेंगे ये सुई ऊपर बढ़ेगी, बंद कर देते हैं, फिर से सुई धीरे धीरे नीचे आ रही है। तो इसमें समझिए जो हमारे जो हमारी गैस चार्ज करने का मेन प्रक्रिया ना वो सब इसी गेज में है, सब कुछ इसी गेज से हमें देखना है। देखिए ये जीरो लिखा है ना, जीरो के बाद दो है, चार है, छह है, आठ, ये जो दो है ना ये बीस है, ये चार जो है ये चालीस है, छह जो है वो साठ है, तो ये जो बीस है दो और ये जीरो है, बीस और दो और इसके बीच में एक मोटी लाइन है, ये जो मोटी लाइन है ये हमारी होगी दस, और जो हम R134 गैस का जो हमारा रनिंग प्रेशर होता है वो होता है 12 से 15, यानी देखिए ये जो मोटी लाइन है 10 के बाद और ये 20 से पहले 15, मोटी लाइन के बीच में एक और पतली लाइन है, तो 12 से 15 के बीच में इसका रनिंग प्रेशर करना है। तो हम क्या करेंगे ऐसे फिर से देखिए गैस को खोलते हैं और फिर बंद कर देंगे, टाइट कर देंगे इस प्रकार से। देखिए अब देखिए ये सुई जीरो से थोड़ा सा आगे रुक रही है, जीरो से थोड़ा सा आगे रुक रही है, वैसे देखिए धीरे धीरे फिर जीरो की तरफ जा रही है, ऐसे ही फिर हम इसको खोलेंगे एक बार, हम और खोलते हैं और फिर बंद कर देंगे। अब की बार ये सुई कहां जाकर के रुकती है, ये सुई हमें 10 12 से 15 के बीच में जाना चाहिए, अभी भी देखिए ये 10 के नीचे आ गई, लेकिन 7 8 तक लगभग पहुंच गई है, 10 के नीचे है लेकिन 7 8 तक पहुंच गई है, देखिए अब 5 से भी नीचे आ गई, इस समय 4 पे आ गई है लगभग, ठीक है। तो इसी प्रकार से फिर से हम गैस को खोलते हैं और इतने में जो हमारा कंडेंसर है ना वो लगभग गर्म हो जाएगा, कंडेंसर मतलब ये जो लोहे की जाली है ये गर्म होने लगेगी, अगर इसको ऊपर टच करेंगे तो ज्यादा गर्म होगी, जितना नीचे आएंगे उतना कम गर्म होगी। यहाँ नजदीक से दिखाइए गैस की सुई, मेन चीज हमारी गैस की सुई है, देखिए इसी के हिसाब से हम गैस चार्ज करेंगे। हम फिर से थोड़ी सी गैस को खोलते हैं और फिर बंद कर देते हैं, फिर से गैस को खोलते हैं और फिर बंद कर देते हैं। अभी देखिए ये जो सुई है ये 10 के ऊपर है, ये देखिए मोटी वाली लाइन ये 10 था और इसके थोड़ी से ऊपर है, अब देखिए फिर से 10 पे आ गया, 10 से भी लग रहा है नीचे आएगा, देखिए 9 पे आ रहा है ना, ये 9 पे आ रहा है, ये बहुत नीचे तक नहीं आएगा, अभी आकर के अब रुक जाएगा, देखिए अब उससे नीचे नहीं जाएगा, ये 9 पे लगभग इस समय है, 8 9 पे है। अभी हमें इसको कितना करना है, 12 से 15 पाउंड तक करना है, इसका रनिंग प्रेशर होता है 12 से 15। देखिए हमने फिर से थोड़ी सी गैस खोला और बंद कर दिया। अब देखिए ये जो मोटी लाइन है वो हमारी 10 है, उसके बाद वाली लाइन 15 है, तो 12 से 15 हमें करना है। तो देखिए ये 10 के ऊपर है इस समय और सुई देखिए रुक भी गई है, ये 10 के ऊपर, ये मोटी लाइन 10 के ऊपर हमारी सुई वहां पे रुकी हुई है, तो इसका ये मतलब है कि रनिंग प्रेशर लगभग 12 पहुंच गया, 12 से 15 हमें करना भी है, तो देखिए लगभग हमारा 12 पे इसका रनिंग प्रेशर पहुंच गया और इसी हिसाब से हमें गैस चार्ज करना सुई का। अब हम इसको 15-20 मिनट चलाएंगे भी ना तो ये सुई धीरे धीरे नीचे नहीं आएगी, वो रुकी रहेगी, रनिंग प्रेशर है उसका ना, तो इसका जो रनिंग प्रेशर है 12 से 15 है, इसकी सुई वहां तक हमने पहुंचा दिया। अब अगर 12 से 15 पहुंच गया, अब इस कंडेंसर को टच करिए, देखिए काफी ज्यादा हीट होगा, काफी ज्यादा गर्म होने लगेगा और जितना बढ़िया ये गर्म हो रहा है समझिए एवापोरेटर उतना बढ़िया ठंडा करेगा, जितना बढ़िया कंडेंसर गर्म होगा एवापोरेटर उतना बढ़िया ठंडा करेगा, ऊपर ज्यादा गर्म होगा नीचे कम गर्म होगा। इस प्रकार से हमारी गैस जो है वो चार्ज हो चुकी है, देखिए 12 से 15 हमारी जो सुई है, एक बार फिर से दिखाइए लास्ट में, यहां पर देखिए
10 के ऊपर अभी भी हमारी सुई रुकी हुई है और कंप्रेसर चालू है, मतलब उससे नीचे नहीं आ रही, मतलब ये आगे बढ़िया तरीके से कूलिंग कर रहा है, बढ़िया तरीके से ठंडा भी कर रहा है। तो चलिए इसमें आगे आइए, इधर से दिखाते हैं, इसका जो एवापोरेटर है वो बढ़िया तरीके से इसमें कूलिंग भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए कूलिंग को तो हम देख नहीं सकते, महसूस ही कर सकते हैं, और देखिए इसके अंदर सनसनाहट की आवाज भी काफी अच्छी आवाज आ रही है। और इसको अगर हम 5 मिनट चलाएं तो अभी हमें बर्फ दिखाई देने लगी, वैसे भी आपको दिख रहा होगा हल्का फुल्का भाप जैसा, देखिए यहां से उड़ रहा है, देखिए ये हल्का हल्का भाप जैसा उड़ रहा है। ये कूलिंग मतलब मात्र 2 मिनट में इतनी कूलिंग हुई है, मात्र 2 मिनट अभी चला हुआ है ये फ्रीजर, और देखिए 2 मिनट में ही इतनी कूलिंग है कि जो हल्का हल्का भाप के रूप में दिखाई दे रही, काफी जबरदस्त ठंडा है। ये जो एवापोरेटर है ना, क्वाइल टाइप एवापोरेटर है, और इसीलिए देखिए ये काफी जबरदस्त ठंडा करता है, प्लेट टाइप की अपेक्षा बहुत अच्छा ये वाला एवापोरेटर ठंडा करता है। आप देखिए इसके ऊपर नमी भी दिखाई देने लग रही है, हल्का हल्का पानी की बूंदे भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हम अपने फ्रिज में गैस चार्ज कर सकते हैं। फ्रिज में गैस चार्ज करने से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव रह गया हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।